तो टॉपिक है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग या स्प्रिंग एनर्जी। तो लेट अस सपोज आपके पास एक स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ पे है। कोई भी स्प्रिंग अपने आप ना एक्सपैंड होना चाहता है ना कंप्रेस होना चाहता है, वो नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है। पर आप अगेंस्ट नेचर उसके काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हैं। और स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। तो स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो भी आप वर्क डन करेंगे इसको एक्सपैंड करने के लिए, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप फोर्स को छोड़ के देखें तो कोई एनर्जी से वापस आएगा, तो एनर्जी क्योंकि इसमें स्टोर हो चुकी होगी, उस एनर्जी को क्या आप बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स नहीं है, तो आपकी फोर्स की वैल्यू होगी क्या इसमें? एफ इंटू एक्स। क्लियर है भाई? शुरू में एक्स मैक्सिमम एक्सपेंशन तो हुई नहीं होगी, स्टार्टिंग में एक्सपेंशन थोड़ी हुई होगी, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है स्प्रिंग। जब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है। जितना एक्स बढ़ता जाएगा फोर्स बढ़ रही है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि फोर्स वेरिएबल है? फोर्स वेरिएबल है। और अगर वेरिएबल फोर्स है और वर्क डन निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। सही है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसके अंदर? नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा कि आप इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। मान लो डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स एक्सपेंशन हो रही है, तो क्या होगा इसमें? एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? चलो वो अभी डिस्कस करते हैं। आपने फोर्स लगाई कितनी? एफ डी एक्स के एक्स। ये आपकी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स माइनस होती है, आपकी फोर्स के एक्स है, पॉजिटिव है, तो आपकी फोर्स है के एक्स। तो आपने मान लो स्प्रिंग जब एक्सपैंड नहीं था, एक्स पर एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन जीरो थी, और मान लो एक्सपेंशन मैक्सिमम भी कितनी हो गई? एक्स हो गई। यहां पर एक्स का मतलब मान लो मैक्सिमम एक्सपेंशन है, या अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, एक्स एफ लिख लो, एक्स एफ का मतलब फाइनल एक्सपेंशन है। तो मान लो फाइनल एक्सपेंशन कितनी होगी? एक्स एफ हो गई, और एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। तो यहां पर वर्क डन विल बी इक्वल टू के, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके कितना? एक्स ऑफ एफ। तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? के टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय टू। कहां से कहां पर? जीरो से लेके एक्स एफ तक। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? हाफ इंटू के इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर। और यही आपकी क्या कहलाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। आंसर हाफ की एक्स स्क्वायर, हाफ की एक्स। नोट करें इसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर एक्स एफ का मतलब है फाइनल एक्सपेंशन, ठीक, दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो एक्स का मतलब है इंस्टेंट इन इज एक्सपेंशन, हर इंस्टेंट पर एक्सपेंशन है, ठीक है यहां तक? तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक? अब कई बार क्या होता है, देखो स्पेशल केस है इसमें। स्पेशल केस क्या है? हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन क्या निकाला? एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन से निकाला। सेम चीज़ है के एक्स डी एक्स किया हमने, हमने माना कि इनिशियल एक्सपेंशन जीरो थी, जीरो से एक्स एफ हो गई। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है स्प्रिंग पहले से एक्सपेंडेड हो। कितना एक्सपेंडेड हो? एक्स आई। और फाइनल एक्सपेंशन कितनी हो गई? एक्स एफ। तो बीच में से वर्क डन निकालना एक्स आई से एक्स एफ। तो क्या करेंगे? वर्क डन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेशन होगी, बस लिमिट चेंज हो जाएगी एक्स आई से एक्स एफ। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन होगा, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस
हाफ के एक्स आई स्क्वायर, नोट कर लें फर्क यह है कि पिछले और इस केस में एक्स आई की वैल्यू क्या थी, जीरो। एक चीज नोट करें, जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल एक्सपेंशन पे, रास्ते में डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए स्प्रिंग की जो फोर्स है वो किस नेचर की होती है, कंजर्वेटिव। तो याद करो ग्रेविटी की फोर्स भी और स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें जो वर्क डन किया जाता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अब इसी चीज़ को बुक्स कैसे लिखती हैं उसको देख लो, ये तो हो गया क्लियर, ठीक हो गया। तो इसी चीज़ को आपके असाइनमेंट में ऐसे लिखा गया है कि सपोज करो आपको टॉपिक है इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव या एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। हमने कर लिया, हमारे एग्जाम में आएगा, जो मैंने आपको लिखवाया बस वही करना। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बुक्स क्या करती हैं, क्या करती हैं, वो सेम चीज़ एक्सपैंड करती हैं। तो वो पहले ये बताती हैं कि स्प्रिंग की जो फोर्स है वो क्या होती है, माइनस के एक्स, और ये फॉर्मूला किस साइंटिस्ट ने दिया था, हुक्स, इसलिए इसका नाम है हुक्स लॉ, कई बार ऑब्जेक्टिव में लिखा भी होता है हुक्स लॉ। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग की फोर्स माइनस के एक्स है, हमें आता है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, मालूम है के अगर बड़ा होगा तो स्प्रिंग स्टिफ होगा, हार्ड होगा, के अगर छोटा होगा तो स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ये भी हमें मालूम है। नेक्स्ट है नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है, ये भी मालूम है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसे अंडरलाइन करो प्लीज असाइनमेंट में, ये क्या कह रहा है, वर्क डन बाय क्या है, स्प्रिंग फोर्स। हमने जो एक्सप्रेशन किया अभी लिख के, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, ये क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स तो के एक्स थी और स्प्रिंग फोर्स क्या है, माइनस के एक्स है, माइनस का फर्क है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में वो क्या करता है, के एक्स नहीं पुट करता, वो क्या पुट करता है, माइनस के एक्स, स्प्रिंग की फोर्स का वर्क डन निकलवा रहा है, और मैंने आपको अपना वर्क डन निकलवाया था, फर्क समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का फर्क आ गया एक्स आई से एक्स एफ, बाकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, सेम है, लेकिन जो आंसर आया वो हमसे उल्टा आ गया। हमारा आया था एक्स एफ स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर, इसका क्या आ गया, एक्स आई एक्स एफ, क्योंकि माइनस का फर्क आ रहा है। इसका मतलब हमारा वर्क डन और स्प्रिंग का वर्क डन में नेगेटिव का फर्क है। ग्रेविटेशन के अंदर भी सेम स्टोरी थी, हमारा वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन या कंजर्वेटिव का वर्क डन नेगेटिव, याद आ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की फोर्स नेगेटिव है, फोर्स एक्सटर्नल पॉजिटिव है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है। तो आप मेरी वाली डेरिवेशन कर देना चलेगा इसमें, क्योंकि ये बुक्स में ऐसे की जाती है। फिर बुक्स क्या कहती है, वो कहती है मान लो अगर आपका स्प्रिंग एक पॉइंट से चला, एक्सपैंड हुआ और फिर वापस वहीं पे आ गया, तो ऐसे केस में नो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन। क्यों, आप लिख देना, बिकॉज स्प्रिंग की फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और कंजर्वेटिव में जहां से स्टार्ट हो और वहीं पर वापस आ जाए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जीरो। और मैथमेटिकली कर रहे हैं तो मैथमेटिकली कर लो, कह रहे हैं एक्स आई से स्टार्ट हुए एक्स आई पे चले गए, एक्स एफ नहीं, इनिशियल और फाइनल एक्सपेंशन सेम है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूले में सेम पुट करोगे वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो वो कह रहा है कि इस केस में कुछ कंक्लूजन है, ये सारी बातें सुन के, पहला कंक्लूजन है स्प्रिंग की फोर्स इसके इक्वल होती है, मालूम है। दूसरा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मालूम है। तीसरा, ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ये भी मालूम है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू पुल द स्प्रिंग स्लो एंड कॉन्स्टेंट स्पीड, फिजिक्स में जब हम स्लोली स्लोली स्प्रिंग को खींचते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, ऐसे प्रोसेस को फिजिक्स में बोला जाता है क्वाजी स्टैटिक मोशन। क्वाजी स्टैटिक का मतलब स्लोली एंड स्टेडली विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो स्लोली खींचना है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको एफ अप्लाई करनी पड़ेगी अगेंस्ट फोर्स एफ एस, एफ एस चाहती है वापस आ जाए, एफ चाहती है कि आप स्प्रिंग को खींचो, ये भी मालूम है। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं कि अब एक लाइन में लिख रहा है कि अगर फोर्स स्प्रिंग ने ना किया होता और आपने किया होता
तो आपका वर्क डन उल्टा आता, एक्स एफ आगे आता, एक्स आई पीछे आता। हमने अपनी डेरिवेशन जो बोर्ड पे की थी वो यही की थी। क्लियर है यहाँ तक? हम यही कर लेंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये आपने कुछ नहीं करना। एक चीज़ आपने करनी है, ग्राफ मार्क करने को आएगा। ये स्प्रिंग की फोर्स है और ये इसकी एक्सपेंशन है। अगर स्प्रिंग की फोर्स और एक्सपेंशन का ग्राफ आए तो ग्राफ ऐसा बनता है। क्यों बनता है? एफ स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है? माइनस की एक्स, क्योंकि के तो पॉजिटिव होता है, के तो नेगेटिव होता नहीं, तो एक्स ही नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट से ग्राफ स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। तो ये स्प्रिंग की फोर्स का ग्राफ है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर मैं स्प्रिंग की फोर्स ऐसे ड्रॉ करूं और एक्स एम स्प्रिंग की मैक्सिमम एक्सपेंशन है, तो बताओ इसके अंडर एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इन टू बेस। बेस क्या है? एक्स एम। हाइट, हाइट क्या है? एफ एम। हाइट एफ है, या एफ एम या एफ ऑफ स्प्रिंग ले लो। हाइट इसमें लेंगे, फोर्स ऑफ स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा? हाफ इन टू एक्स एम। स्प्रिंग की फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के एक्स, एक्स की जगह एक्स एम। तो क्या बनेगा? हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो रूल शॉर्टकट क्या याद करेंगे कि एरिया अंडर स्प्रिंग की फोर्स वर्सेस एक्सपेंशन ग्राफ आपको क्या देगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, याद रहेगा। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा आपको? एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो नोट कर सकते हैं ये बुकलेट के अंदर ही, या डायग्राम बना हुआ है वहां नोट कर लें। स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की डेरिवेशन आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग जो मैंने हाथ से लिखवाई है आपको वो आएगी। एक ठीक है यहाँ तक? तो अच्छा, ये क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसे माइनस साइन के साथ लिया, अदरवाइज बाकी बात एक ही है। तो अब इसमें बस यही लिखा हुआ है कि आपका वर्क डन और स्प्रिंग का वर्क डन में किसका फर्क आएगा? माइनस का फर्क आएगा। आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा, बस ये फर्क है। तो ये कुछ नहीं करना आपने, इसमें कुछ जरूरत नहीं है करने की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल में और कहीं पर भी पक्का आता है, इंपॉर्टेंट मार्क करो।